एंड फाइनली जो है आज हम लेह लद्दाख राइड के लिए निकल रहे हैं। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Okay, finally it's 2:14, और अभी जो हो रहा है time, it's time to leave. Hollywood perfect. और ये एग्जैक्टली 6 महीने बाद आज जो है अलमारी से निकल रही है, आज पहनेंगे ब्रो तुम्हें। ओके सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड बहुत सारे लोग जो है मुझे कंस्टेंटली कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हारा रूम जो हम लोग देख देख के पक चुके, इसलिए आज फाइनली घर पे भी कोई नहीं था, तो मतलब आज पूरा एक घर का मतलब दूसरे रूम्स की तरफ आज लेके आए। एंड फाइनली जो है आज हम लेह लद्दाख राइड के लिए निकल रहे हैं। तो अभी लेह लद्दाख राइड के लिए निकल रहे हैं कि नहीं वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है ये देखो भाई साहब, आज जो है आज अपना फाइनली राइडिंग जैकेट निकल गया है 1000 करोड़ साल बाद। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो है मतलब टैग लगाई हुआ है, मतलब ड्राई क्लीनिंग के बाद से आने के बाद इसको यूज ही नहीं किया था हमने। और लास्ट जो है इसको हमने यूज किया था लोअर असम राइड 2020 में, जो कि हम लोगों ने किया था, मतलब हम दीपक भाई, ऋषि और उदित ने किया था। एंड उस राइड को किए हुए ऑलमोस्ट अभी 6 से 7 महीने हो चुके, एंड इन 6 से 7 महीनों में मैंने लिटरली जो अपना राइडिंग जैकेट निकाला भी नहीं था। एंड यस, लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था बाइक की हालत बहुत ज्यादा गंदी थी, तो बाइक भी एकदम सुबह टिप टॉप वाला वॉश करवा दिए, तो भी फटाफट से जैकेट पहनते और ऑलराइट गाइस, फाइनली जो है घर से निकल चुके हैं। टाइम इज अराउंड 2:35 टू बी एग्जैक्ट। और अभी फिलहाल हम और राहुल भाई जाने वाले हैं नेहरू स्टेडियम तक। तो एक्चुअली आज जो है हमारे विकास दा लोग फाइनली निकल रहे लद्दाख राइड के लिए, एंड अभी जो है अपना मीटिंग पॉइंट है नेहरू स्टेडियम, क्योंकि नेहरू स्टेडियम से जो है फ्लैग ऑफ होने वाला है, तो फुल फ्लैग ऑफ वगैरह होगा और उसके बाद निकलेंगे पूरा पलटन। तो हेलो जी, और अपना नाम बताओ? उत्पल मंडल। कहाँ, यही के हो? अच्छा चलो, अच्छा लगा मिलके। अच्छा अच्छा, कभी भी जरूरत पड़े तो सीधा आ जाना है, 10% डिस्काउंट। चलो छोटे से सब्सक्राइबर भाई मिल चुके थे यार, और अच्छा लगता है ऐसे जब कोई मिलता है एंड रिकॉग्नाइज करता है। तो अभी हियर इज राहुल भाई, और हम और राहुल भाई अभी निकल चुके हैं टूवर्ड्स नेहरू स्टेडियम। एंड अभी जो है दीपक भाई का कॉल आया था कि वो लोग जो है आगे पहुंच चुके हैं, तो फटाफट हम भी पहुंचते हैं। और ये हमारी गुवाहाटी की ट्रैफिक, ओ भाई साहब, लोग ही लोग। ऑलराइट भाई साहब, तो यहाँ पे जो है देख सकते हो रिपोर्टर्स वगैरह ऑल आ चुके हैं, मतलब जो है प्रेस मीट काइंड ऑफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड ड्यूक 390, दो एडवेंचर 390, एक हिमालयन, और मतलब लेट किए हुए आदमी को भी मतलब हमने हरा दिया, इतना ज़्यादा लेट किए हम। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली जो है अभी आके पहुंच चुके हैं नेहरू स्टेडियम। एंड यहाँ पे जैसे कि पब्लिक देख सकते हैं, मतलब अच्छी खासी पब्लिक है, लेकिन उसके अलावा भी जो है मेन आज का अपना हाईलाइट, मतलब ऐसे वैसे राइड नहीं कर रहे, ठीक है, लॉन्डे अपने लॉन्डे जो कर रहे हैं राइड, उसमें उसको कवर करने अभी फिलहाल न्यूज़ लाइव से लेकर के मतलब अच्छे खासे न्यूज़ चैनल तक पहुँच चुके हैं। एंड बहुत बहुत पुराने चेहरे आज हमको इधर दिख रहे हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज। एंड हियर इज आवर फाइनली वाले भैया, ऑब्वियसली ब्रो, फाइनली वाले भैया इज मैंडेटरी आजकल, मतलब कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली, कहीं आज वैसे कोइंसिडेंट नहीं था, बट मतलब हो रहा है, मिलना हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि भैया जी इज वेरी रेगुलर नाउअडेज, एंड जहाँ पे कंटेंट वहाँ पे हम, इसलिए आजकल हमने डिसाइड कर लिया कि हम मतलब लोग जहाँ जहाँ होते हैं जमा, हम भी वहीं चले जाएंगे भाई। तो वही है सीन। और बाकी भाई साहब दीपक भाई ने बहुत ज़्यादा वेट किया, मतलब मेरे को खुद ही पर्सनली बुरा लग रहा है भाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा लॉन्डे को, और दो थोड़ा बहुत। और अभी चलो वही, अभी और आज के मेन अपने दिग्गज खिलाड़ियों से मिलाते। एंड बाय द वे, जैकेट पहन के जो फट रही है ना, मतलब फिलहाल टेम्परेचर थोड़े अपने फेवर में है, लेकिन आज अगर धूप होती ना, अभी इधर लेटे हुए होते हम लोग सब। चलो मिलाते उन लोगों से भी। तो यस गाइस, क्वालिटी तो क्या बोगा लगी है क्या बोगा लगी है
तो यस गाइस, फाइनली आज के हमारे मेन हीरो मतलब उधर एक हीरो मतलब हर तरीके से फिल्म में बहुत हीरो है। ये फिल्म में बहुत सारे हीरो है। और वो फिल्म था ना एक तो क्या अजगर का जो फिल्म था क्या है स्नेक ना कि स्नेक ना है तो उसी के तरीके से मतलब विकास दा इज नाउ ऑल सेट, समीरन दा इज ऑल सेट। एक बार दिखा दो। हाँ जी हाँ जी ऑब्वियसली मतलब देख सकते हो ये तो भाई साहब खोल दिए बट मतलब सब लोग फुल एकदम सेटअप होके मतलब निकल रहे हैं। एंड भाई साहब मतलब व्हाट इज दिस न्यूज व्यूज में आ रहे हो अभी सुनने में मिल रहे हैं क्या करें लोगों का प्यार है वही। और एक फॉर अ कॉज ये राइड हो रहा है लोगों का प्यार है और तुम जैसे यार है और क्या ओ तो हाँ, ये तो, राइड का मोटिव है। हम लोग ऐसे बाइक चला के नहीं जा रहे, हम लोग का राइड का मोटिव है सेव नेचर। अभी नेचर का जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो सेव नेचर। और अभी हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। हाँ। अभी हम लोग बोल के नहीं ले लद्दाख, ले लद्दाख खुलने का साथ साथ जैसे पूरा इंडिया का लोग जितना है सब उधर ही जा रहे हैं जितना हो तो वैसे ही हम लोग असम में भी आना चाहिए। डेफिनेटली असम में भी भाई साहब तावांग है। हाँ। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी है मतलब नॉर्थ ईस्ट में मतलब गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। हम लोग का वही मोटिव है कि जैसे हम लोग लद्दाख देखने के लिए जा रहे हैं वैसे उधर का लोग भी हम लोग का इधर में आए, असम में आए, नॉर्थ ईस्ट में आए, हम लोग का जगह में घूमे, वही असम टूरिज्म का सपोर्ट ले। और जब ऐसे असम के लोग इतने दूर जा रहे हैं जब रास्ते में लोग मिलेंगे जब उनसे बातचीत होगी जब उनको ये लोग बताते चलेंगे कि व्हाट डज असम हैज टू ऑफर तो डेट इज वन वेरी बिग प्रमोशन। और मतलब ऐसे ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके अपने असम को प्रमोट करना होगा। एंड अगर मतलब बाय चांस कोई भी जो व्यूअर है जो देख रहे हो अगर आउट ऑफ कहीं मतलब आउट ऑफ आसाम से हो एंड इनको अगर कहीं रास्ते में मिल जाते हो तो एक बार मिलके हाय हेलो बोल देना, क्या हालचाल है पूछ लेना। एंड एक बार लास्टली मतलब सेफ राइड कोरिया फाली आहा और मैंने एंड थैंक यू सो मच कैमरा पकड़ने के लिए। सो तुमको ऑल द बेस्ट दिलो। थैंक यू सो मच फाली थोया। तुम्हें कौन कौन बाइक चलाया था? हिमालयन। तो समीरन दा चला रहे हिमालयन और हमारे नेक्स्ट लेवल वाले भैया चला रहे बसंती 2.0। तो हाँ जी ओके फाइनली इट्स 2:14 और अभी जो हो रहा है टाइम इट्स टाइम टू लीव एंड 390 एडवेंचर 390 एडीवी 390 एंड वहाँ पे एक और हिमालयन। सो या इट्स टाइम टू लीव। चलो जी ऑल राइट गाइस फाइनली जो है हम लोग निकल चुके नेहरू स्टेडियम से। आए थे 11 बजे अभी इट्स 2+ एंड फाइनली जो है हमारी तो नहीं बट हमारे भाई लोग की जो है असम टू लद्दाख की राइड चालू स्टार्ट शुरू हो चुकी है जी। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड राइट नाउ बिकॉज मेरे को इनिशियली ये राइड का एक पार्ट होने का मिल रहा है। ज़्यादा दूर नहीं बट हाँ जी पार्ट तो होने का मिल रहा है। सो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम मजाक कर रहे थे डेफिनेटली हम लद्दाख नहीं जा रहे हैं क्योंकि यार देखो अभी फिलहाल हमारी उतनी एज भी नहीं हुई और अभी फाइनेंशियली भी बहुत कुछ देखना पड़ता है बिकॉज 70-80 हज़ार का खर्चा करना कोई मजाक नहीं होता है भाई साहब। दिस इज़ अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट एंड करेंगे यार जिंदगी बची हुई है पूरी जिंदगी है बाद में कभी ना कभी। ये देखो अपना भाई जी अलग फील में तो वही कह रहा था कि मैं कि देखो एज है उम्र है बाद में जाएंगे एंड मौसम देखो बारिश भी दे ही देगी किसी भी मोमेंट। A few moments later. And जनाब हालत देख सकते हो फुल बारिश 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 बारिश। प्लान था थोड़ा आगे तक जाने का बट बारिश ने मतलब कुछ और ही मतलब उसका तय था तो अभी ये लोग को जाने दे रहे क्योंकि है ना मतलब रेडी हो गए फुल देखो ना। तो चलो बेस्ट ऑफ लक। ऑल ओके एकदम ऑल से मतलब लग रहा है कि लद्दाख जा रहे हैं ठीक है लग रहा है लद्दाख जा रहे हैं। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड खाली हो यहाँ खाली आई से मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो गाइस अभी और ये लोग को ज़्यादा डिले नहीं करवाते क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं हुए ये लोग फुल्ली प्रिपेयर है ऑब्वियसली लद्दाख जा रहे हैं तो ये लोग रेडी हो चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक भाई खाली हो यहाँ आरू मैंने मोसाई दिया आरू तो चलो बेस्ट ऑफ लक आरू बेस्ट ऑफ लक आरू हेलो।
ऑलराइट गाइस, तो वीडियो का अभी वो पार्ट है जहाँ पे हम अभी अब से अलविदा लेना चाहेंगे। तो मतलब विकास दा लोगों के साथ और थोड़ा दूर तक जाने का प्लान था, बट जैसे कि आपने देखा कि बारिश वगैरह दे दी थी, प्लस जो है बैग में कैमरा वगैरह था मेरे साथ और हम लोग ने रेन जैकेट्स कैरी भी नहीं कर रहे थे, तो और हम लोग को वैसे भी वापस आना ही था, तो हम लोग को वही बेटर लगा कि ज्यादा आगे नहीं जाते हुए वापस ही कर देते। एंड भाई लोग को उधर से अलविदा करके वो लोग को भी टाटा बाय बाय कर दे, क्योंकि वो लोग को भी दूर जाना था, मतलब वो लोग का जो डेस्टिनेशन था वो था कोकराझार, तो वो लोग को भी जाना था प्लस हम लोग को भी वापस आना था। तो इसी के चलते अलविदा बोल के मतलब लेह लद्दाख की तरफ उन लोगों को भेज के हम लोग वापस आ गए। एंड यार नो वरीज गाइस, जिंदगी में कभी ना कभी, जिंदगी में क्या, आज से कुछ साल बाद हम भी जाएंगे, इस चैनल में जुड़े रहना तब तक, तो आपको भी बहुत सुंदर से ले दिखाएंगे भाई की नजरिए से, आएगा वो टाइम भी बहुत ही जल्दी आएगा। सो ऑन दिस नोट इस वीडियो को जो है इधर ही एंड करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्दी किसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ राइड सेफ जॉय होम।